नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा की संगत मंडी के गांव गुरथड़ी के नजदीक मोटरसाइकिल और बस की टक्कर के बाद बस को लगी आग, दो लोगों की जिंदा जलने से हुई मौत। जालंधर के थाना 2 की पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को किया काबू, एक फरार। बठिंडा के दयालपुरा थाने के माल खाने में से 9 असले हुए गायब, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। संगत मंडी के गांव गुरथड़ी के पास देर रात बस व मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो जाने के बाद बस को अचानक आग लग गई, जिस कारण मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जिंदा जल गए, जिन्हें उपचार हेतु सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर दोनों की मौत हो गई। हादसे के दौरान बस में कोई भी सवार नहीं था। वहीं इस हादसे के बाद घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। यह घटना कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस दौरान मौके पर पहुंचे समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने दोनों जली हुई लाशों को सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। अपना सारा संस्था वाले 2 डेड बॉडीज लेके आए ने। अपना एक दस रहे भी एक्सीडेंट होगा उधर गुरथड़ी ते मशाने दी गोली मेन रोड ते एक्सीडेंट होया। बॉडियां दोनों बुरी तरह झुलस चुकी ने। ਕਦਾ ਕਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀ ਮੋਰਚਰੀ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਰੁਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਜਨਸੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਆ ਸਨ ਸਹਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 98551333333 ਦੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰਥੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਬੁਲਟ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਟੀਮ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਸ਼ੀ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ SHO ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਝੁਲਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਐਸ ਭੂਪੇਤੀ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ADCP 1 ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ACP ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਦਾਇਤੋਂ ਪਰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਮੇ 3 ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਮੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। इस संबंध में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि वर्कशॉप चौक के नजदीक 14 नवंबर को रात्रि 9:30 बजे वंश और कुणाल नामक 2 लड़कों के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई थी, जिन्हें उपचार हेतु जालंधर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने शमशेर सिंह उर्फ शेरा, शिवा, दीपक और गौरा को इस मामले में नामजद किया था। इस दौरान इलाज के दौरान घायल कुणाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा, दीपक शर्मा और शिवा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तो दौराने तफ्तीश इस मुकदमा के जो 4 मुलजम नामजद हुए थे, जिन्हों के शमशेर से, दूसरा शिवा, तीसरा दीपक, चौथा गोरा से। तो इलाज के दौरान मिति 16 तरीक न जोड़ा है सी, कुणाल मुंडा अरमान होस्पिटल दाखिल डैथ हो गई थी। मुकदमा के 302 IPC का वाधा होया। तो मुख्य अफसर थाना वालों डिवीजन नंबर 2 वालों इस मुकदमा के वांटड दोषी शमशेर सिंह जोड़ा है 16 तरीक में असी गिरफ़्तार कर लिया। तो जो बाकी मुलजम से शिवा तो दीपक, जोड़ा कि इन्हों की बैकग्राउंड UP की सी, तो ये जोड़ा है वारदात करने तो बाद UP चले गए थे। तो पुलिस पास कोई इनपुट सी कि ये जो है UP हो सकते हैं, तो जो अफसर के ध्यान लिया के थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस पार्टी में जोड़ा है असं उत्थे UP वास्ते जो रवाना किया। तो जोड़े दोषी शिवा के दीपक है ये जिला पहरा है UP तो साड़ी जी पुलिस पार्टी गई थी, उन्होंने 19/11 इन्हों गिरफ़्तार कर लिया। तो अज इन दोनों जोड़ा है कोर्ट के पेश किया, रिमांड हासिल किया। एक तरफ पंजाब सरकार की ओर से असले को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थानों में असला भी सुरक्षित नहीं है।
बठिंडा के दयालपुरा थाने में एक साल के अंदर लोगों द्वारा जमा करवाए गए 9 असले थाने में से गुम हो गए हैं। ये मामला तब सामने आया जब थाना दयालपुरा में जमा करवाया गया असला नशा तस्करों के पास से बरामद हुआ। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। लगभग एक साल का समय बीत जाने के बावजूद पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की ओर से अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं की गई कि किस तरह थाना दयालपुर के मालखाने में से 9 असले गायब हो गए हैं। असला गायब होने की पुष्टि रामपुरा के DSP जसवंत सिंह ने की है। गौरतलब रहे कि बठिंडा रेंज के IG SPS परमार ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असला गायब होने के मामले में सवाल पूछा था। IG ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अपना पदभार संभाले अभी 2 दिन ही हुए हैं, इस मामले की वह जांच जरूर करवाएंगे। सुल्तानपुर लोधी में 66वीं पंजाब राज्य स्कूल खेलों की शुरुआत जिला शिक्षा अधिकारी हर भगवंत सिंह और डिप्टी DEO विक्रमजीत सिंह थिंद की अगुवाई में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन SDM चंद्रज्योति सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को अधिक से अधिक खेलों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये खेले सुल्तानपुर लोधी के श्री गुरु नानक देव स्टेडियम में 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक चलेंगी, जिसमें सर्कल स्टाइल कबड्डी की टीमें पंजाब भर के अलग अलग जिलों से भाग ले रही हैं, जिनके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज सुल्तानपुर लोधी इस पवित्र धरती के उत्ते 66वीं राज पदरी खेडा जिहड़ियां कपूरथले जिले के आरंभ होईआं हैं। इन्हां दे विच कबड्डी जिहड़ी आ ओह सर्कल स्टाइल और कपूरथले दे विच बास्केटबाल जिहड़ा उन्हां दा आगाज़ होया है। साडे मानयोग SDM चंद्रा ज्योति सिंह जी उन्होंने आगाज़ किया है। साडे मानयोग सिक्ख्या जिला सिक्ख्या अफसर सरदार हर भगवंत सिंह जी ने इन्हों बच्चों को शुभकामनाएं दित्तियां हैं। और ये सिक्ख्या विभाग और पंजाब सरकार का बड़ा वड्डा उपराला है कि विद्यार्थियों की ऑलराउंड डिवेलपमेंट के लिए गेम्स के नाल जोड़िया जाए, मैदानों नाल जोड़िया जाए, तो जो पंजाब दे विच जिहड़ियां होर समस्यावां हैं वो सारियां खत्म कीतियां जा सकन। कपूरथले जिले के डिस्ट्रिक्ट टूरनामेंट कमेटी साड़ी जिसे साढ़े को जनरल सकत्र जोड़े आीता जड़वी तो और साढ़े सुखविंदर सिंह जम्मू उन्होंने देख रेख के सारे स्वीक सिक्ख्या अध्यापक तो साढ़े सारे प्रिंसीपल अधिकारियों वालों ये सांझे उद्यम किए गए। साढ़े जी पंजाब स्कूल गेम्स है ये 66वीं गेम ने ये साढ़े जड़े ने स्टेट शुरू हुई है कपूरथला जिले के अंडर 19 सर्कल कबड्डी और इन्हों का अज शुरुआत सी। इस दे वास्ते जिहड़े साडे SDM श्रीमती मिस चंद्रा ज्योति सिंह IAS SDM सुल्तानपुर लोधी वो आए सन और ये साढ़े को सारे जिले तो अंडर 19 दी टीम जिहड़ियां ने वो पहुंचिया ने। तवी टेक्निकल कैंपस शाहपुर कंडी पठानकोट ने विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में SDM धार कला डॉक्टर हरजिंदर सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इस मौके पर पंजाब के प्रसिद्ध गायक प्रभ गिल ने अपने गानों से बच्चों को झूमने के लिए विवश कर दिया। वहीं मुख्य अतिथि ने चेयरमैन इंजीनियर विधि सिंह जमवाल के शिक्षा के क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। चेयरमैन इंजीनियर विधि सिंह जमवाल ने अपने संबोधन में बच्चों द्वारा पेश कार्यक्रम की सराहना की और इसके सफल आयोजन के लिए स्टाफ को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि तवी टेक्निकल कैंपस हमेशा से ही बच्चों को हर क्षेत्र में अग्रणी रहने को प्रेरित करता रहता है। उन्होंने इस दौरान कैंपस की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। आज साढ़े इतने तवी टेक्निकल कैंपस विंटर फेस्ट 2022 जरा मना रहे सारे बच्चे। तवी टेक्निकल कैंपस जरा 2012 शुरू हुआ, हर साल इतने टेक्निकल फेस्ट विंटर फेस्ट मनाते बच्चे।
देश भर में फैले हिमाचली भाईचारे के लोगों की अगुवाई करने वाले संगठन अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ के 50वें स्थापना दिवस को समर्पित हिमजल महाकुंभ का आयोजन किया गया। अमृतसर के 88 फुट रोड इलाके में हुए इस गोल्डन जुबली समागम में हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा संचालित 40 के करीब संस्थाओं के नुमाइंदों ने भाग लिया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष KML लाल ने अपने संबोधन में हिमाचली ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक को संदेश दिया कि अपने बच्चों को राष्ट्रीय भावना, सामाजिक सरोकार और मानवीय जीवन मूल्यों से जोड़े ताकि वे आगे चलकर परिवार के साथ साथ समाज और राष्ट्र धर्म का पालन करें। इस मौके पर हिमजन एकता मंच अमृतसर के प्रधान पवन शर्मा ने कहा कि हिमाचल के लोग जिस तनदेही, ईमानदारी और आपसी सौहार्द के साथ अमृतसर, पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमा रहे हैं, वह एक मिसाल है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ काम करें ताकि समाज और देश को तरक्की की राह पर जाने से कोई न रोक सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरु नगरी दे विच साडे शहर दे विच पिछले रोज तो ही बहुत खुशी के समागम किए जा रहे हैं। जिदा अखिल भारतीय हिमाचल संघ वालों कल बहुत वड्डा प्रोग्राम किया गया और सारे हिंदुस्तान के विचों हिमाचली परिवार के नाल संबंध रखने वाले जिहड़े उन्होंने ऑफिस बिरर से गुरु नगरी आए और इतने प्रोग्राम होए और मैनू इस गल की खुशी है कि मैनू इन्हों की खुशी के इन्होंने मैनू शरीक किया। मैं इन्हों का धन्यवादी हाँ। अज भी हिमजन एकता मंच का फाउंडेशन दिवस है, सारा ही परिवार मेरा अपना एरिया, साड़ियाँ अपनियाँ वार्ड्स ने, अज असी सारे ही परिवार की तरह रल बैठे हाँ सैकड़िया की तादाद और बहुत सोहने सवेर तो ही इतने कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं। सुरेंद्र कुमार कौंडल चेयरमैन हिमजन एकता मंच, अज तुहानू दसना चाहना कि यह जिहड़ी साड़ी संस्था हिमजन एकता मंच है एक समाजिक गैर राजनीतिक संस्था है। ये हर साल अपना स्थापना दिवस मनाती है, अज 7वां स्थापना दिवस जिहड़ा आपां मना रहे हैं। मैं दसना चाहना कि यह संस्था जिहड़ी है एक समाजिक काम किहड़े-किहड़े करदी है। सब तो बड़ा साडा जिहड़ा काम हैगा वह हैगा तीआं दी लोहड़ी, कि जिहड़े भी बच्चे एक इस इलाके दे विच साल दे विच कुड़ियां पैदा होईआं हुंदीआं ने उहनां दे पेरेंट्स नूं आपां सम्मानित करदे हां ताकि जिहड़ी जेंडर इनइक्वैलिटी है वह दूर हो सके। उस तो बाद साडा जिहड़ा हिमाचली कल्चर है ते पंजाबी कल्चर है, इन्हां दोनों नूं मिला के आपां कोशिश करदे हां कि समाज नूं इहदे नाल जोड़िया जावे। आपने गुरदास मान का गाना तो सुना होगा कि बहके देख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, जिसे साबित किया है संगरूर के भोला सिंह नामक एक बुजुर्ग ने। जहां ज्यादातर बुजुर्ग 60 साल की उम्र में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, वहीं 60 वर्ष की उम्र में भी भोला सिंह का कमाल का बैलेंस है। 60 वर्षीय भोला सिंह मोटरसाइकिल चलाते हुए सिर पर पानी की बोतल, मटका, दूध वाला बर्तन, कुदाल और 40 किलो तक के इंसान को भी बैलेंस कर लेते हैं। भोला सिंह पेशे से मजदूरी करते हैं और उन्हें बाइक चलाते वक्त सिर पर चीज़ें बैलेंस करने का शौक है। वहीं अब भोला सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गए हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बैलेंस तो जी हूँ जो कोई भी मजबूरी हो जाती है, जो आप कम जाने कई ने या कोई कोई भी चीज़ कम खेती करने वाली चीज़ लै जाने उन्हें 30-40 किलो के हिसाब से 50 किलो के हिसाब से अंदर इन्ना क। अच्छा ये कदों कला कृतियाँ करते आ रहे हो? इदा ਕਿਰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਬਸ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੰਘ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਘੜਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਵੀ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤੂਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਸੁਨਾਮ ऊधम सिंह वाला में एक अनाधिकृत सब्जी मंडी का जमावड़ा एक लंबे समय से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह घरों के सामने सब्जी विक्रेता अड्डे जमाए हुए हैं। इस लोकेशन पर शहर के प्रसिद्ध नैना देवी माता और संतोषी माता मंदिर के साथ साथ गौशाला को रास्ता जाता है, जिस कारण इस स्थल पर भारी रश रहता है। वहीं बिना मंजूरी के लगी सब्जी मंडी के कारण वाहनों और आवारा पशुओं की आमद लगी रहती है और लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों के साथ साथ वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब इस संबंध में नगर कौंसिल के अध्यक्ष से हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना था कि मार्केट कमेटी के साथ उनका तालमेल चल रहा है,
एक दो दिन में इसको पुरानी सब्जी मंडी में शिफ्ट कर समस्या का हल किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो जी ये गल उभर के आई है, समस्या यह बहुत ही बड़ी है। उत्थे शाम नू सारे शहर वासियों का तकरीबन उत्थों दा रास्ता है, बिच बच्चे ने लेडीज़ मतलब हैगियां जेंट्स ने उत्थे रेहड़ियां उत्थे लगन करके उत्थे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो दिक्कत सारे नू आउंदी है। जे इत्थों तक गल करिए अपने रेहड़ियां वाले दी, उन्हां दी भी मजबूरी है। तो मैं प्रशासन नू इस वल ध्यान दवाना चाहुंदा भी नाले तां रेहड़ियां वाले दी समस्या हल हो जाए, वो भी रोजी रोटी कमाण आए ने, नाले उत्थे सारे शहर नू किसी किस्म की दिक्कत ना आए, इदां दा सिस्टम बना के उत्थों दी जिहड़ी समस्या है ट्रैफिक की वो हल की जाए। सर इस तरह है जी स्पेस हैगा जी जगह है प्राइम लोकेशन हैगी है, सारे शहर का बहुत ज़्यादा इतने आना जाना हैगा, तो इतने रेहड़ियां ने वो अगे वधा लेंदे ने, तो ईवन जी ट्रैफिक हैगी है बाहरों लोग आते हैं कारा भी सड़क खड़ा लेंगे ने, तो लंघन वाले बजुर्गों बच्चों आम लोगों भी बहुत बड़िया समस्यावां का सामना करना पैंदा है। और खास तौर पर शाम को 6 बजे तो बाद कुछ उत्थे आवारा पशु भी आ जाते हैं, तो वह भी ट्रैफिक के उत्ते बड़ा बुरा असर पाते हैं। और जो पिछले समय के सुन देख आ रही है गल भी साढ़े माणयोग मंत्री अरोड़ा जी ने यह जगह आइडेंटिफाई की है कि ट्रैफिक वास्ते भी ट्रैफिक कंट्रोल घट्टो घट होर सारे शहर का भी आता इस गल के नाल भी वो जी जगह आइडेंटिफाई की उन्होंने उस दे वास्ते जो उपराला कर तो अद्धक सुधार तो उद हो सकता है। ये तुसीं अच्छा सवाल किया, रेहड़ियां जिहड़ियां ने सारे शहर दियां वह असी साढ़े इत्थे सब्जी मंडी पुरानी जिहड़ी है वह खाली जगह पई सी, उहदा साडा मार्केट कमेटी नाल तालमेल चल रहा, वो मेरे ख्याल एक दो दिन से हल हो जूगा। तो सारिया रेहड़ियां जिहड़ियां असी असी रुजगार भी नहीं किसी का खोना चाहते और सारिया रेहड़ियां जिहड़ियां असी सब्जी मंडी से शिफ्ट कर जा रहे हैं। किसान यूनियन एकता डकोंदा की तरफ से बठिंडा के एक निजी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ पक्का मोर्चा लगाया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान कंपनी के कार्यालय में इकट्ठे हुए किसानों ने कंपनी के दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर कर्मचारियों को अंदर ही अंदर नज़रबंद कर दिया। वहीं कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया। वहीं किसानों ने कार्यालय के बाहर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मिली जानकारी के मुताबिक एक किसान ने 3 वर्ष पहले उक्त कंपनी से 10.5 लाख रुपयों का लोन लिया था। किसान की तरफ से 6.5 लाख लोन भरने के बावजूद भी निजी कंपनी द्वारा फिर से 3 गुना और पैसे वसूल करने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते किसानों ने यह धरना लगाया। तो वहीं निजी कंपनी के अधिकारियों ने कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मैं जी असल स्कूल बैन ली सी जी इन्होंने तो लोन लेके 2018 के वो लोन का मैं 4,20,000 लिया ब्याज ला के 1,30,000 5.5 लाख रुपया बना के 36 किस्तां बनाती मेरिया। लॉकडाउन लग गया उदो मैं 23 किस्तां भरती सी, मैनू कहिंदे भी आके तू जे लोन गाह करना सी तेरा लोन गाह कर दें, जदों ऐ कह के सैन करवा ले। तो वो जो मैं हुण कल परसों आके स्टेटमेंट कढ़ाई तो इन्होंने दुबारे चक के लोन दुबारे चालू करता, हाँ जी न्यू करता पहले हुण मैनू कहिंदे 15 किस्तां होर रहिंदियां, 6,62,000 ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਅਗਸਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2,42,000 ਹੋਰ ਭਾਲਦੇ। जय अम्बे भगवती जागरण सभा की ओर से 23वां वार्षिक विशाल माँ भगवती का जागरण बड़ी ही धूमधाम से 4 मरला ग्राउंड मॉडल हाउस जालंधर में करवाया गया, जिसमें आई हुई प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें सभा के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संजीव चड्डा, गगनप्रीत सिंह, ओंकार राजीव टिक्का, विक्रम शर्मा, विनय शर्मा, प्रवीण कुमार लाडी सहित असंख्य माँ भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੀ ਐਸ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲਵੇਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀ ਐਸ ਕੇਵਲ 'ਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪੇਂਟਾ ਲੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਦੁਆਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪੇਂਟੇ, ਪੇਂਟਾ ਚੜਾਵਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਮੇ ਭਗਤੀ ਜਾਗਰਣ ਕੀ ਤਰਫ, ਜਾਗਰਣ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਚਾਰ ਮਰਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਹ 23ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਗਰਣ ਜੋ ਆਜ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਕੀ ਚਾਰ ਮਰਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਬੀਜ ਔਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਨਕਾਰ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਮਹੰਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਗਰ ਸੀਮਾ ਅੰਜਾਨ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੰਗਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸਾਗਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਗਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਇਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਔਰ ਇਸਮੇ ਖਾਸ ਲੰਗਰ ਕਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਸਦੱਸਿਆ ਕਾ ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਬਣਤਾ ਥਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਪੇਵਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ, ਜਿਨਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਲਜ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜੱਥੋ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤੋਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜਾ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਸਰਬਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਉਨਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਕਪੂਰ, ਐਸ ਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਹਕੀਮ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਅਰਪਿਤ ਕਪੂਰ, ਭਾਵਨਾ ਕਪੂਰ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕਪੂਰ, ਹੇਮਾ ਬਤਰਾ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਛਾਬੜਾ, ਅੰਜੂ ਕੁੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਥਿਲ ਗਾਵਥੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਮਿਊਲ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭੀ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਤ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਰਾ ਜੀਓ ਅਵਲ ਅਲਹਿ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। जीसस सेक्रेड हार्ट स्कूल साउथ सिटी लुधियाना में एक समागम का आयोजन किया गया जिसका थीम एंजल एंड डिमोस था, जिसमें बच्चों को गुड और बैड एक्शन के बारे में जानकारी दी गई ताकि बच्चे गुड एक्शन सीखकर पर्यावरण के साथ साथ आसपास के लोगों में भी अच्छा संदेश दे सके। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य पेश कर अपनी प्रतिभा को उजागर भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल का समूह स्टाफ भी मौजूद रहा। फंक्शन है, आज का फंक्शन प्री प्राइमरी और प्राइमरी बच्चों के लिए था। कल हमने एक फंक्शन किया सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। हमने फंक्शन का थीम रखा हुआ है एंजल्स एंड डेमन्स आज के फंक्शन के लिए, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एक्शंस हैं जो कि गुड एक्शंस हैं, कौन से एक्शंस हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एनवायरनमेंट को ख़राब करना एक बैड एक्शन है और एनवायरनमेंट को सेफ रखना एक गुड एक्शन है। सो एंजल्स एंड डेमन्स आज हमारे एक फंक्शन के थीम में हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि इन ऐसे एक्शंस अपनाएं जिसमें कि सबका भला हो, ह्यूमैनिटी का भला हो, एनवायरनमेंट का भला हो, दूसरों का भला हो, अच्छी फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, सोशल मीडिया क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ताकि हम उनको इनफॉर्मल एजुकेशन दे सकें। श्री गुरु नानक यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 18वां विशाल माँ भगवती का जागरण गली नंबर 9 गुरु नानकपुरा वेस्ट जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया गया, जिसमें महंत अशोक शर्मा एंड पार्टी जालंधर वालों और प्रसिद्ध गायक रवि लाडला अमृतसर वालों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष रविंदर सिंह, उपाध्यक्ष संजय कुमार, जनरल सचिव रुपिंदरजीत फूल, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश परमार, सह सचिव प्रदीप कुमार, कमेटी सदस्य जगजीत सिंह, राहुल कुमार, अमन सिंह, नितिन, विक्रमजीत सिंह, मनी सिंह, हरिंदर सिंह हैरी, निशु, सतीश कुमार, जगदीश सिंह, अमरदीप सिंह, हरकीरत सिंह, डिप्पल कुमार, हरजप सिंह, ज्वाला सिंह, राजेश कुमार, परमजीत सिंह, पॉम्पी, राजू नेगी, रणवीर सिंह ठाकुर, भल्लाजी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जदों भी कोई धार्मिक प्रोग्राम यहोजे आयोजन करते हैं तो साढ़े समाज को बहुत ही वधिया सुनेहा मिलता है, जिस दे नाल साढ़े समाज के जो कुरीतियां चल रही होंदियां ने उन्हां कुरीतियां नूं रोक लाने के वास्ते यहोजे धार्मिक जिहड़े प्रोग्राम असीं आयोजन करते हाँ उस तों सानूं बहुत ही वधिया सुनेहा मिलता है। असी अपने परमात्मा के नाल जुड़न का सानू एक रस्ता मिलता है। सो
अज इस खेत्र दे विच तुसीं पूरी श्रद्धा दे नाल पूरी भावना दे नाल अज महामाई दा जागरण मना रहे हो। मैं भी आस रखदा हाँ कि जिस तरह तुसीं महामाई दा जागरण पूरी श्रद्धा दे भावना नाल मना रहे हो। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। बठिंडा की संगत मंडी के गांव गुरथड़ी के नजदीक मोटरसाइकिल और बस की टक्कर के बाद बस को लगी आग, दो लोगों की जिंदा जलने से हुई मौत। जालंधर के थाना 2 की पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को किया काबू, एक फरार। बठिंडा के दयालपुरा थाने के मालखाने में से 9 असले हुए गायब, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।